हाय हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप मजे में होंगे। दिस इज भक्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में प्लास्टिक बोतल से हम बनाएंगे क्यूट से प्लांटर्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है एक प्लास्टिक बोतल, और इस प्लास्टिक बोतल पर मार्क करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेन जो है वो फिक्स कर दिया है, और इस पेन के हेल्प से अब मैं इस प्लास्टिक बोतल पर एक मार्क बना लूंगी। तो इस मार्क के ऊपर से हम ये प्लास्टिक बोतल कट करेंगे। तो मार्क बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये पेन फिक्स कर दिया है, और ये प्लास्टिक बोतल जैसे वीडियो में दिख रही है वैसे एक सर्कुलर वे में इसे घुमाना है, तो ये मार्क एकदम एक सिंगल लाइन में अच्छे से बन जाएगा। वैसे ये स्टेप ऑप्शनल है, यहाँ पर हम डायरेक्टली पेन लेके भी मार्क बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर इस प्लास्टिक बोतल पे हमने ये मार्क बना लिया है, अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कटर लेके पहले थोड़ा सा कट कर लिया है, और उसके बाद में सीजर से ये बोतल पूरी कट कर ली है। तो यहाँ पर इस प्लास्टिक बोतल के जो दो पीसेस है वो दोनों हम अलग अलग प्लांटर्स के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉटम पोर्शन का यूज करके प्लांटर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने बोतल का बॉटम सेक्शन लिया है, और जहाँ पर ये जो लेग है बोतल का उसके ऊपर मैंने एक यू शेप, उल्टा यू शेप निकाल दिया है जहाँ पर ईयर्स बनेंगे। तो जैसे वीडियो में दिख रहा है उस तरह से हम दो ईयर्स बना लेंगे, और ये जो दोनों ईयर्स है वो जॉइंट कर लेंगे। तो ईयर्स बनाने के बाद जैसे वीडियो में दिख रहा है उस तरह से हम सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। तो सर्कल कंप्लीट करने के बाद ये जो आउटलाइन है वो कुछ इस तरह से दिखती है। तो यहाँ पर मैंने तीन बॉटल्स ली है, और तीनों के बॉटम सेक्शन में मैंने इस तरह का मार्क बना लिया है। तो यहाँ पर हमने जो ये मार्क बनाया है उसके शेप में ये बॉटल हम सीजर के हेल्प से कट कर लेंगे। वैसे अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं लेके आती हूँ नए नए आर्ट। तो बोतल कट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखती है। तो इसी तरह से मैंने तीनों भी बॉटल्स कट कर लिए हैं। तो अब ये जो कट की हुई बॉटल्स है उसे हम कलर करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर्स का यूज़ कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पर वाटर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये कलर ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पर हम दो लेयर्स देंगे। तो फर्स्ट लेयर के लिए मैं यहाँ पर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। तो इसी तरह से दूसरे प्लांटर के लिए हम येल्लो कलर का यूज़ करेंगे, और थर्ड प्लांटर को मैंने पिंक कलर से कलर कर लिया है। तो फर्स्ट लेयर अच्छे से ड्राई होने के बाद यहाँ पर मैं स्पॉन्ज का यूज़ करूँगी। तो कलर का सेकेंड लेयर देने के लिए यहाँ पर मैं स्पॉन्ज यूज़ करके कलर करूँगी। तो स्पॉन्ज में हमें कलर लेके डैप करना है जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो सेकेंड लेयर अच्छे से ड्राई होने के बाद अब हम फेस बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले मैं ब्लैक कलर से आइज़ बना लूँगी। तो क्योंकि ये कलर्स ट्रांसपेरेंट है तो यहाँ पर पहले हम बैकग्राउंड में वाइट कलर से कलर करेंगे, और उसके बाद में एक्चुअल कलर से कलर करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर कलरफुल प्लांटर्स बना रहे हैं तो आपके चॉइस के हिसाब से कलर्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्यूट सा फर्स्ट प्लांटर रेडी है। तो इसी तरह से हम बाकी के भी प्लांटर्स बनाएंगे। यहाँ पर ये सेकंड प्लांटर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर थर्ड प्लांटर भी रेडी हो गया है। तो ये कलर सिक्योर करने के लिए और वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर वार्निश का लेयर देंगे। तो ये क्यूट से प्लांटर्स यहाँ पर रेडी है, और प्लांट्स रखने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। अब हम बॉटल का जो अपर पोर्शन था वो लेंगे, और उससे हम प्लांटर्स बनाएंगे। तो ये जो अपर पोर्शन है यहाँ पर मैंने पेटल्स जैसे शेप बनाए हैं जैसे वीडियो में दिख रहा है।
तो ये जो पेटल शेप बनाए हैं वो हम सीजर के हेल्प से कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तीनों बॉटल्स को कट कर लिया है। अब हम इन बॉटल्स को कलर करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लेयर के लिए ब्रश का यूज़ करूँगी और सेम यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने वाटर का ज़रा सा भी यूज़ नहीं किया है। सेकेंड प्लांटर को मैं ग्रीन कलर से कलर कर लूँगी और थर्ड प्लांटर को पिंक कलर से कलर कर लूँगी। तो फर्स्ट लेयर अच्छे से ड्राई होने के बाद यहाँ पर मैं सेकेंड लेयर दूंगी और सेकेंड लेयर देने के लिए यहाँ पर मैं स्पॉन्ज का यूज़ कर रही हूँ। और कलर करने के लिए यहाँ पर हमें स्पॉन्ज में कलर लेना है और जैसे वीडियो में देख रहा है उस तरह से डैप करके कलर करना है। तो दोनों लेयर्स अच्छे से ड्राई होने के बाद हमें यहाँ पर वार्निश अप्लाई करना है। अब यहाँ पर मैं जूट यार्न का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दो पीसेस लिए हैं। अब कटर के हेल्प से मैंने यहाँ पर दो होल्स बना लिए हैं जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो जहाँ पर हमने ये होल बनाए हैं वहाँ पर हम ये यार्न अब फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक नॉट बांध देंगे और ये यार्न फिक्स कर देंगे। तो यही यार्न हम कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट बॉटल को भी कनेक्ट करेंगे। तो जैसे हमने सेकेंड प्लांटर यहाँ पर फिक्स कर दिया है वैसे हम थर्ड प्लांटर भी फिक्स कर देंगे। सेकेंड साइड में भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे और सारे प्लांटर्स कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये हैंगिंग प्लांटर रेडी हो गया है और आपको मिलती हूँ नए वीडियो में नए आर्ट के साथ। बाय बाय।